हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द बुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अचरामर जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 11 डिवोशन टुवर्ड्स द ऑलमाइटी। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 86 डिवोशन टुवर्ड्स द ऑलमाइटी। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 11.1 वेरियस वेज ऑफ वर्शिप। थोड़ा फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए। द अबाउट पिक्चर्स हैव मस्ट मेड यू वंडर व्हेन डिड पीपल स्टार्ट प्रेइंग एंड सिंगिंग रिलीजियस सॉन्ग्स इन दिस वे। अब ऊपर की पिक्चर को हमें देखकर ख्याल आता होगा कि हम कब प्रे करना शुरू करते हैं या किस तरीके से हम अपने ऊपर वाले को गाने गा के सिंग करके है डिवोशन डीप डिवोशन भक्ति सॉन्ग्स गाकर उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। This deep devotion towards God is the gift of the Bhakti and Sufi movements had started in the 8th century. 8th century में भक्ति और सूफी movements, यानी God के लिए एक gift है जो हम अपनी बातें उन तक पहुँचाते हैं। Let us take a peek into that era and understand how all this reaches us. In olden days, common people stayed away from education. पुराने ज़माने में ओल्डन डेज में जो कॉमन पीपल होते थे वो पढ़ाई लिखाई से दूर रहते थे। ट्रेडिशनली मेंबर्स ऑफ द वर्किंग क्लास अंडरवेंट वोकेशनल ट्रेनिंग। ट्रेडिशनली अगर ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो जो भी लोग वर्किंग क्लास के मेंबर्स होते थे वो लोग हमेशा वोकेशनल ट्रेनिंग लेते थे, यानी ओरल ट्रेनिंग। पीपल वर रिलीजियस बट सुपरस्टिशन वॉज ऑल्सो वाइडली प्रेवलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। लोग रिलीजियस थे यानी धर्म को बहुत मानते थे, लेकिन उसके साथों साथ वो अंधविश्वास में बहुत विश्वास रखते थे, अंधविश्वासी थे वो लोग। ड्यू टू दिस अनड्यू एडवांटेज वॉज टेकन बाय मेनी अपॉर्चुनिटीज। पीपल वरंट एज स्केयर्ड ऑफ किंग्स एज मच एज ऑफ रिलीजियस हेड्स इन सेन। लोगों के अंदर एक इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाने लगे। अब होता क्या था कि वो लोग जो कॉमन पीपल होते थे वो लोग इतने अंधविश्वासी थे कि वो लोग संत साधु जो रिलीजियस हेड होते थे पुजारी मौलवीज उनसे डरते थे, जबकि किंग से उनको कुछ भी डर नहीं लगता था। और रिलीजन एक सुपरफिशियल पावर बन गया था लोगों के लिए। आइडल वर्शिप हैड बिकम वाइड स्प्रेड। थॉट पीपल बिलीव्ड इन एंड रेस्पेक्टेड रिलीजियस बुक्स लाइक वेदास पुराणास एक्सेट्रा। दे वर इग्नोरेंट बट अबाउट द मेन फिलोसफीज डी प्रोपोगेटेड। जिस तरीके से आइडल वर्शिप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया, यानी वो लोग अपने अपने हिसाब से एक भगवान को ही मानते थे, सबको नहीं मानते थे, तो उन लोगों ने बिलीव किया कि जो भी रिलीजियस बुक्स है वेदास और पुराणास में चीज़ें हैं उनकी बातों को समझने की कोशिश की। चैरिटी वॉज कंसिडर्ड एज अ नोबल डीड। चैरिटी यानी दान दक्षिणा करना वो एक जिम्मेदारी बन गई थी और एक ये नोबल डीड था, यानी किसी की मदद करना। हिंदूज एंड मुस्लिम कंसिडर चैरिटी एज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव। ज़्यादातर जो हिंदूज और मुस्लिम थे उन लोग वो कॉमन पीपल यही समझते थे कि चैरिटी करना यानी दान दक्षिणा देना एक हमारे धर्म का हिस्सा है। घोस्ट स्पिरिट्स अपैरिशंस एक्सेट्रा आर बिलीव्ड इन एंड इवन वर्शिप। प्रेत आत्मा भूत प्रेत की पूजा करना और उनको मानना इसमें भी लोग विश्वास करते थे। अ फ्यू सुपरस्टिशंस ऑल्सो बिकेम वाइडली स्प्रेड अमंग द पीपल। ट्रू फेट एड लेसन सम अपॉर्चुनिस्टिक प्रीस्ट मौलवी सेंट विच डॉक्टर्स एक्सेट्रा स्टार्टिंग टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड देयर ब्लाइंड बिलीव्स टू मेक देयर ओन लाइफ मोर कम्फर्टेबल एंड लग्जेरियस। अब कुछ जो अंधविश्वासी चीज़ों विश्वास हो रहा था लोगों ने हर जगह वो चीज़ को फैला दिया। सच को कम मानते थे, उसका फ़ायदा जो भी मंदिर के पुजारी है मौलवीज है या जो हकीम होते हैं डॉक्टर जो बोलते हैं कि हाँ हम ये करेंगे आप ठीक हो जाओगे, वो चीज़ों को लोगों ने इग्नोर उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना लगा और अंधविश्वास ब्लाइंड बिलीव करने लगे। आप बन कर उन लोगों पे विश्वास किया और वैसे लोग अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए लग्जरियस करने के लिए कॉमन पीपल का फ़ायदा उठा रहे थे। अब हम भक्ति मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 87। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग द सल्तनत एरा इन द प्रीवियस चैप्टर। थॉट दे स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया हिंदुइज्म रिमेन रिलीजन एंड रिटेन इट्स स्टेटस। प्रीवियस चैप्टर में हमने सल्तनत एरा में देखा था कि किस तरीके से मुस्लिम इस्लाम को फैला रहे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। उसी तरीके से मेन हिंदुइज्म को भी एक इम्पोर्टेंस दी गई, लोगों ने उसका भी एक स्टेटस बनाया
ऑल रिलीजन्स फेल द नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस टू रिमूव इग्नोरेंस। रिलीजन पे भरोसा करना और लोगों को ये जो भी चीज़ें हैं उसका इग्नोर करवाना, यानी उन चीज़ों को अनदेखा करो और सिर्फ धन पे विश्वास रखो। तो बहुत सारे ऐसे सेंट थे, उन लोगों ने अलग अलग रिलीजियस रेवोल्यूशंस किया रिलीजन में, कल्चर में। तो लेट अस लर्न, एक एक हम उस सेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किसने क्या काम किया। पहले हम बात करेंगे वल्लभाचार्य। उनका बर्थ बॉर्न था 1479। वो चंपारण विलेज से थे और तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से थे। ही फॉलोड वैष्णविज्म, द रिलीजन ऑफ हिज फैमिली। वो विष्णु जी को बहुत मानते थे, वैष्णविज्म को मानते थे, क्योंकि उनकी फैमिली उन वैष्णव को ही मानती थी। उन्होंने वेदास, वेदंतास, दर्शन, सूत्रास, धर्मशास्त्रास, पुराणास एंड हिस्ट्री, इन सब को बहुत ही गहराई में जाकर पढ़ाई की थी बनारस में रहकर। ही ट्रैवल अराउंड द होल वर्ल्ड टू प्रोपोगेट हिज रिलीजियस बिलीव। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया अपने विश्वास को लोगों तक पहुंचाने के लिए, रिलीजियस बिलीव्स के लिए। ही वेंट फ्रॉम रामेश्वरा टू हरिद्वार एंड फ्रॉम द्वारका टू जगन्नाथपुरी थ्राइस टू प्रमोट द पुष्टिमगर सेक्ट। उन्होंने पुष्टिमर्ग सेक्ट को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए रामेश्वर से हरिद्वार और द्वारका से जगन्नाथपुरी तक 3 बार उन्होंने वहाँ के लोगों को जाकर प्रमोट किया कि वो रिलीजन में बिलीव करें। ड्यूरिंग दिस पिलग्रिमेज ही ऑर्गेनाइज श्रीमद भगवत कथा एंड द प्लेसेज वेर दिस डिस्कोर्सेज वर ऑर्गेनाइज इज नोन एज पैठक। उन्होंने अपने जब पिलग्रिमेज यानी जब वो धर्म को मान रहे थे, अपने धर्म स्थल की जगह पर एक कथा रखवाई जिसका नाम रखा था श्रीमद् भगवत कथा, और जहाँ पर बैठकर ये ऑर्गेनाइज हो रहा था तो उस जगह को बैठक कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्मा इज़ अ प्योर एंड अनबाउंडेड सोल एंड कृष्णा इज़ ओनली द पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा गॉड। उनके हिसाब से ब्रह्मा एक प्योर और एक ऐसी आत्मा है जिनकी जो अनबाउंडेड सोल है, जिसके अंदर प्यार भरा हुआ है, और कृष्णा ही एक ही गॉड है ऐसे जिनको हमें मानना चाहिए। ही देयरफॉर फेल्ट दैट भक्ति वॉज द ओनली वे टू सीक फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड द डेथ टू अटेन सालवेशन। उनके हिसाब से भक्ति ही एक ऐसा, यानी हम सिर्फ मेडिटेशन करें, हमारे ऊपर वाले को याद करें, ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें हमारा जो साइकिल है जन्म और मृत्यु का, और हमें जो मुक्ति मिले सिर्फ भक्ति के थ्रू ही मिल सकती है। दिस रिलीजन कुड बी फॉलोड बाई एनी बडी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। अब उनके हिसाब से जो भी रिलीजन फॉर्म फॉलो करते हैं उसके अंदर कोई चीज़ की दखल अंदाजी नहीं आनी चाहिए, जैसे कास्ट को इम्पॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, कलर है, जाति पात, इन सब चीज़ों को इम्पॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। तो वल्लभाचार्य ने बहुत ही अपना खास इम्पॉर्टेंट और एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था भक्ति मूवमेंट में। अब हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वॉज द लास्ट गुरु और प्रीचर इन द आचार्य ट्रेडिशन इन वैष्णविज्म। चैतन्य महाप्रभु लास्ट गुरु थे, या आप कह सकते हो प्रीचर थे, जिन्होंने आचार्य ट्रेडिशन यानी विष्णु जिस वैष्णविज्म को बढ़ाया। उनका बर्थ बॉर्न था 1485 और वो फेमस एजुकेशनल प्लेस नवदीप, जिसको नादिया कहते हैं, बंगाल में, वहाँ पर उनका बॉर्न हुआ। ही बिकेम वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मेडिटेशन। उनके वो बहुत ही नामचीन हो चुके थे, लोग उनको बहुत मानते थे, क्योंकि जो मेडिटेशन को लेके उनका लव था ना, प्यार था ना, वो बहुत ज़्यादा था। द डेप्थ ऑफ हिज डिवोशन न्यू नो बाउंड्स, और उनकी जो प्यार की सीमाएँ थी भगवान को लेके, गॉड को लेकर, उसकी कोई भी लिमिट्स नहीं थी। ही पॉपुलराइज द चांट ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। वो हमेशा बस हरे कृष्ण हरे बस महामंत्र पढ़ते ही रहते थे, गुनगुनाते ही रहते थे। विद इन अ शॉर्ट स्पैन दिस मंत्र स्प्रेड ऑल ओवर बंगाल। कुछ ही कम टाइम में ये जो हरे कृष्ण का महामंत्र था पूरे बंगाल में फैल गया। पीपल ऑफ एनी कास्ट वुड ज्वाइन हिज कीर्तन मंडली। कोई भी कास्ट के पीपल हो इस मंडली को, कीर्तन मंडली को ज्वाइन कर सकते थे। पीपल इवन स्टार्टेड हैविंग कीर्तन्स इन देयर होम। इनफैक्ट लोगों ने अपने घर में भी कीर्तन करवाना शुरू कर दिया था। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ कृष्ण भक्ति इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। उन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में हर स्टेट के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉर्नर में जाकर लोगों तक ये बातें पहुँचाई। अगेन ही प्रोपोगेटेड दिस सेक्ट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड इन सच अ वे दैट इज क्रिएटेड इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड अमंग द पीपल।
उन्होंने रिलीजन को बढ़ावा दिया, लेकिन लोगों को ये भी कहा कि इसमें जाति पात ऊंच नीच कोई कलर इन सब चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस हमें भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। He asked the people to pass their days in God's service and chant His name. वो कहते थे कि आप अपने दिनों को भगवान को याद करते हुए उनकी सेवा करते हुए और उनका नाम जपते हुए गुजार देना है। Next we will talk about Guru Nanak. He went to Sri Lanka, Arabistan and Iran. Guru Nanak श्रीलंका अरबस्तान और ईरान गए थे। उनका मानना था कि मैन ह्यूमन बींग यानी हम एक ऐसे ह्यूमन बींग हैं जो पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं। There is only one God and everyone is equal for him. उनका ये भी मानना था कि भगवान सिर्फ एक है और सबके लिए वो इक्वल है। He is omnipotent, omnipresent and omniscient. इनका मानना था कि जो गॉड है वो हर जगह पाए जाते, चाहे हवा हो, पानी हो, बारिश हो, कोई भी चीज़ हो, वो ऐसे है ना कि हर जगह हर इंसान में है। ही इज़ द गुरु एंड द रियल साहेब, वो हमारे गुरु है, गॉड हमारे गुरु है और हमारे असली साहेब है। गुरु नानक बिलीव दैट विद द हेल्प ऑफ सदगुरु वन कैन अटेन रियल नॉलेज एंड कैन नो हिम एंड वन हैज़ टू सीक द शेल्टर ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू रिमूव इग्नोरेंस। उनका मानना था कि हमें इस अंधविश्वास को अगर हटाना है तो हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है और हमें ऊपर वाले को हमेशा याद करना है। सतनाम एज अ सिम्बॉल ऑफ गॉड एक्सेप्टेड किया गया था गुरु नानक के थ्रू एंड वन मस्ट कंटिन्यूसली चांट गॉड्स नेम। और उनका मानना था कि हमें ऊपर वाले का नाम बार बार बस जपना ही चाहिए। He also believed that more than merely chanting his name, it is important to treat, considered everyone equal and only then does it become sexual religion. उनका ये भी मानना था कि सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेने के बजाय दूसरे लोगों को हर एक को इक्वली ट्रीट करो और उनकी हेल्प करो, तब हम असली रिलीजन धर्म को अपनाएंगे। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स बिकेम हिज फॉलोअर, बहुत सारे पीपल थे अलग अलग रिलीजन के जो उनके फॉलोअर भी बन गए थे और उनको कहा जाता था सिख। उन्होंने गुरु नानक ने अपनी एक किताब प्रीचिंग्स लिखी थी जिसके अंदर जिस किताब में उस बुक का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्वामी रामानंद। In the second half of the 14th century, Swami Ramanand proved to have made a very strong and noteworthy contribution to the Bhakti movement. जब second half century चल रहा था 14th century का, तो Swami Ramanand ने बहुत ही strong और noteworthy या जो ऐसी चीज़ें contribute की थी भक्ति movement के related, ताकि वो लोगों तक पहुँच सके। He preaches ideals and beliefs in regional language which helps spread Vaishnav Bhakti. उन्होंने अपनी ideas, अपने ideals, अपने belief, अपने विश्वास अलग अलग regional language में लिखी ताकि लोगों तक Vaishnav Bhakti पहुँच सके। He propagated the main ideas of the scholars adding his own inputs. उन्होंने लोग दूसरे लोगों के ideas भी, scholars थे जो भी संत साधु, उनकी बातें लोगों तक पहुँचाई और अपनी कुछ खुद की बातें भी ऐड कर लोगों को बताया। इफ़ नेसेसरी एंड स्प्रेड द भक्ति रेवोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, उन्होंने कोशिश की कि लोगों तक वो अपनी आइडियाज़ पहुंचा सके, अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा कुछ और उनको समझा सके, और भक्ति रेवोल्यूशन नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से उन्होंने फैलाया था। कबीर एंड रायदास वर हिज़ फॉलोअर, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो थे कबीर एंड रायदास।